देवघर में सीएफआई के द्वारा प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के सशक्तिकरण को लेकर स्थानीय होटल के सभागार में एक सम्मेलन आयोजित की गई। कार्यक्रम में सीएफआई के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव प्रार्थितेश्वर झा, प्रदेश अध्यक्ष एमके सिंह सहित झारखंड बिहार के सैकड़ों प्राइवेट कोचिंग संस्थान के निर्देशक शामिल हुए। इस मौके पर कोचिंग संस्थान को सशक्तिकरण पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर देवघर कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ललन मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण प्राइवेट कोचिंग के शिक्षक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए सरकार को कोचिंग सेंटर बंद कराने के पहले इन शिक्षकों के लिए कोई ठोस व्यवस्था करना चाहिए। वहीं वीजीपीटी के निर्देशक मणिकांत पाठक ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोचिंग संस्थानों को संगठित व मजबूत करना है, जिससे हर परिस्थिति में कोचिंग सेंटर के शिक्षक की समस्या का निदान किया जा सके। देवघर झारखंड से बैद्यनाथ प्रसाद यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। देवघर में देवघर कोचिंग एसोसिएशन देवघर और सीएफआई कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक कोचिंग एसोसिएशन के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि सारे के सारे प्राइवेट कोचिंग के जो शिक्षक हैं वो आपस में सशक्त हो सकें, उनकी सारी की सारी सभी समस्याएं हैं आने वाले समय में हम सरकार तक पहुंचा सकें। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हमारे यहाँ मीटिंग चल रहा है, ताकि जो कोचिंग संस्था है और कोचिंग संस्था के जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं का हल हम लोग निकाल सकें। और इस बात का सरकार से छोटी सी मांग हम रखते हैं कि जब भी ऐसी विषम परिस्थिति देश में, राज्य में, जिला में कभी भी आए, तो आप कोचिंग वाले को इतना अलग अंदाज से मत देखिए महोदय कि हम लोग भी भूखे मर जाएं, क्योंकि हम लोग जब भी क्लास लेते हैं तो एक घंटा का क्लास लेते हैं और हम लोगों के पास शिक्षित बच्चा बैठता है, इसलिए हम लोग सब नियम कानून से क्लास लेते हैं कि ऐसे स्वस्थ रहे, ऐसे मास्क लगा के आए, ऐसे सैनिटाइज करके आए। इसलिए सरकार से विशेष मेरी मांग है कि आप इस बात पर भी ध्यान दें कि हम सभी प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के सभी शिक्षक का पेट प्लास्टिक और बेकेलाइट का नहीं, यह भी चमड़ा का है, इसलिए मेरा भी पेट भरे, इस पर भी विशेष